नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहानी शुक्ला। खबर वाराणसी से। मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रैन बसेरा का किया औचक निरीक्षण, लोगों को किया कंबल वितरित। वाराणसी 21 दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के पश्चात श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अभियंताओं से कार्य की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित अवधि में कार्य को प्रत्येक दशा में पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैदागिन स्थित टाउन हॉल में बनाए रैन बसेरा में रह रहे लोगों को कंबल वितरित किया तथा रैन बसेरा में रह रहे लोगों से रैन बसेरा में किए गए व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड एवं पड़ रहे शीत लहर को दृष्टिगत रखते हुए खुले आसमान के नीचे कोई न सोए, ऐसे लोगों को तत्काल रैन बसेरा में शिफ्ट कराया जाए। उन्होंने रैन बसेरा में रह रहे लोगों से वार्ता करते हुए पूछा कि उन्हें ठंड तो नहीं लग रही है, रैन बसेरा एवं शौचालय आदि का समुचित सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल में 2,331.00 लाख रुपए लागत में स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत निर्माणाधीन पार्क एवं भूमिगत पार्किंग का औचक निरीक्षण किया। मौके पर 40% कार्य पूर्ण मिला। मुख्यमंत्री ने भूमिगत पार्किंग कार्य को सितंबर 2021 तक पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त गौराग राठी आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट।